नागपुर शहर कंट्राती कर्मचारी संगठना द्वारा लाडपा के समिति की मांग को लेकर विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला गया था, जहां बड़ी संख्या में आंदोलक मौजूद थे। इस समय जानकारी देते हुए नागपुर कंट्राती कर्मचारी संगठना के सुरेश गवई ने बताया कि आज कई कर्मचारी कंट्राती रूप से सालों से जनता की सेवा करी है, लेकिन फिर भी उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही सरकारी औहदा दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस वक्त आंदोलनकारियों ने लाडपा के समिति लागू करने की मांग की, जहां आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर अपनी व्यथा बताई। शोर मत बना और आईएएस अफसर ऐसा बना कि कोई तख्ते पे जाता है तो हमारा हक नहीं, हमारा पूरा हक देने को चाहिए। जिस दिन हमारे में से किसी एक भाई का भी लड़का आर्मी में। मेरा नाम रमेश गवई है, मैं नागपुर महानगर पालिका यवतदार कामगार संगठन का सचिव हूँ। हमारी मांग है, हमारे कर्मचारियों को पिछले 4-5 साल पहले परमानेंट किया था महानगर पालिका में, पर उनको लाड़ पागे समिति नहीं लगाया। हमारी वो लाड़ पागे समिति मिलना चाहिए, उसका लाभ। ये मांग को लेकर हमारा मोर्चा विधानसभा पे आया है। हमारा लाड़ पागे समिति मिलना चाहिए। एक ही मांग है नहीं, हमारी एक ही मांग है, लाड़ पागे समिति। ये मांग पूरी नहीं होती तो हम अगला कदम क्या? फिर हम पाठलक करेंगे, इसका पाठलक करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट भी कामगार है ना, वो भी उसमें हमारे इसमें हमारे साथ के लिए, उनको परमानेंट करना चाहिए। फुटपाथ दुकानदार संगठन है, उनको उजाड़ा जाता है, वो रोकना चाहिए, ये हमारी मांग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।